देखिए आज मैं अमेरिकन चॉप से बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है थाई चिली सॉस, ग्रीन चिंग्स का चिली सॉस लिया और रेड चिली सॉस लिया और सोया सॉस लिया है, अजीनोमोटो है और कैप्सिकम है, थोड़ी कलरफुल ली है, तीनों कलर में येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है। और चॉप हमने जिंजर गार्लिक लिया है और चॉप थोड़ा सा गार्लिक भी लिया है। ये हरी मिर्चा है, थोड़ी सी तीन हरी मिर्चा ली है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो। ये गरम मसाला एक मैंने हाफ टी स्पून ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली, कश्मीरी चिली जिससे कलर अच्छा है, और कैरेट ले लिया है, एक कटोरी मैंने कैरेट लिया है, और क्या ये लिया मैंने स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन ऑनियन ले लिया है, और पत्ता गोभी मैंने लिया है, फ्लावर लिया है थोड़ा सा उसको थिक करने के लिए। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम, इसमें हमने गार्लिक थोड़ा सा डाल दिया है, खाली थोड़ा सा गार्लिक ज्यादा डालेंगे अच्छा लगता है। गार्लिक भी मैंने इसमें डाल दी है, थोड़ी सी जिंजर डाली है क्योंकि जिंजर ज्यादा मुझे नहीं डालनी है। अब ये थोड़ा सॉटे हो जाए फिर हम इसमें सब, अब ये देखिए सॉटे हो गया है। अब इसमें कैरेट, ये मैंने कैरेट इसके अंदर डाल दी है, इसी में हम कैबेज डाल देंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, थोड़ा सा हल्के से बस सॉटे करना है इसको, अगर पका दिया तो मजा नहीं आता है क्योंकि थोड़ी सी ये क्रंची अच्छी लगती है। अब इसी में मैं सारे इंग्रेडिएंट डालूंगी, इसमें मैं अजीनोमोटो डाल दूंगी, अब सोया सॉस डाल दूंगी, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली सॉस है 2 टेबल स्पून होगा, ये डाल दिया इसके अंदर, ये हम इसमें अब चिली रेड चिली सॉस मिला रहे हैं, 2 चम्मच के करीब मैंने रेड चिली सॉस मिला दिया है, ब्लैक पेपर डाल देंगे थोड़ा सा, हम सॉस डाल देंगे, अमेरिकन चॉप से बनाने के लिए थोड़ा सा ये बैटर जो होता है इसका चॉपसी का, ये थोड़ा सा पतला होता है इसलिए हमें इसमें सब पहले मिक्स करना है, मिक्स करके फिर हम इसमें पानी डाल देंगे, सब्जी हम चाह रहे हैं क्रंची रहे ताकि ये मुंह में आती तो और अच्छी लगती है इसकी। इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे क्योंकि थोड़ा मीठा भी होता है इसका फ्लेवर, तो थोड़ा सा हम केचप डाल देंगे इसके अंदर, ये देखिए थोड़ा एक हम टमाटर प्यूरी का भी डाले दे रहे हैं ताकि इसका थोड़ा सा टमाटर का भी फ्लेवर अच्छा आ जाए। ये देखिए अब इसमें हम पानी और डालेंगे, देखिए करंची सब्जियां लग रही हैं, ये देखिए अब थोड़ा सा बॉईल होगा, ये थोड़ा सा पानी और डालना है मुझे, देखिए जो हमने चिकन फ्राई किया था वो हम इसी में डाल देंगे, मसाला लगा के फ्राई किया था जिसमें अंडा और काली मिर्चा और ज़रा सा अजीनोमोटो डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया है, स्ट्रिप्स लंबी लंबी ही काट के इसको मैंने फ्राई करके इसमें ओरिगैनो डाला, फ्राई करके डाल दें चाहे ऐसे ही डाल दें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, चिकन सॉफ्ट होना चाहिए बस। देखिए मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया है, अब ये थोड़ा सा बॉयल होता है बस मैं सब चीज़ें और डाल देती हूँ, और ये तैयार है कैप्सिकम, कैप्सिकम भी मैंने डाल दिया, चिली सॉस और डाल देंगे इसमें हम, देखिए 2 चम्मच 2 टेबल स्पून समझे इसमें मैं ये वेनेगर डाल दूंगी, वेनेगर से थोड़ा सा फ्लेवर
अच्छा आ जाता है। ये ना विनेगर नहीं यूज करती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर यूज करती हूँ। ये देखिए, ये इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर घोल कर और इसमें मिला देंगे ताकि थोड़ा सा थिकनेस आ जाए इसमें। देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। बस ये तैयार है। अब हम इसमें ग्रीन ऑनियन के स्प्रिंग ऑनियन जो है डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इससे कलरफुल लगता है और चाइनीज का फ्लेवर आता है इससे। ये देखिए ये चिकन भी पक गया है करीब करीब और ये पूरा रेडी हो गया ये चॉपसी का बैटर। अब इसमें हम चॉपसी बना के डालते हैं। ये देखिए हमने नूडल्स उबाला है। नूडल्स उबाल के इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर मिला लिया है। कॉर्नफ्लावर मिला के इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर बाद में फिर हम बनाएंगे चॉपसी। अमेरिकन चॉपसी के पहले ये काम हमें करना है। देखिए हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। देखिए फ्राई हो रहा है। जब ये फ्राई हो जाएगा इसको अच्छा फ्राई करना है ताकि ऊपर से ही इसमें बनाना है सब। देखिए नूडल्स फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैंने इसमें अंदर इसको डालना है। ऐसे इसी तरह से सारे नूडल्स फ्राई कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद चॉप से बनाएंगे।